गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगी। तो मैं मिस्टर प्रदीप कुमार, और जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वह हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं और वर्ण संयोजन किसे कहते हैं और उन दोनों में क्या अंतर है। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्णों का आपको पता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम अधिक टुकड़े ना कर सकें, जिसको हम अधिक खंडित ना कर सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। हर एक भाषा के कोई ना कोई वर्ण होते हैं, उसके चिन्ह होते हैं, उसकी लिपि होती है। तो हिंदी की भी हमारी एक लिपि है जिसको हम देवनागरी कहते हैं। उसके अंदर हमारे 52 वर्ण हैं और उन वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं हमारे शब्द, और शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम वर्णों का यहाँ पर करेंगे कि वर्ण क्या है और वर्ण का विच्छेद किसे कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना। हमारे पास कोई शब्द है और अगर हम उस शब्दों के वर्णों को, वर्ण यानी कि स्वर और जो उसके अंदर व्यंजन है वर्णमाला के अंदर, अगर हम उनको अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा वर्ण विच्छेद। यानी कि उनको अलग अलग बांटना, उनको अलग अलग कर देना, ये क्या कहलाता है हमारा वर्ण विच्छेद। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं कि शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। ठीक है, जो शब्द बनते हैं हमारे स्वर और व्यंजनों की सहायता से जो बनते हैं उनको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। हमारे पास है कपड़ा। क्या है? कपड़ा। अगर हम देखें तो इसके अंदर कपड़ा, ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियां आ रही है। अगर हम इसको अलग अलग करें, जो क है हमारा क जमा अ, क्योंकि क जो हमारा हलंत वाला होता है उसके हम उसके अंदर हम अ की ध्वनि को नहीं लगाते। अगर हम इसको बिना हलंत लिख रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क और अ की ध्वनि समाहित है। क्लियर है? तो क जमा अ क्या बन गया हमारा क। आगे है हमारा प, तो प का मतलब क्या है, प जमा अ, क्योंकि हम बोलकर देख सकते हैं। अगर हम बोले प क तो ये जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर क्या है इसमें हमारा अ, पीछे इसकी ध्वनि आ भी रही है, प क आती है ना, यस। तो आगे है हमारा डा, ड जमा आ। तो ये हमने क्या किए, कपड़ा जो हमारा शब्द था उसमें से हमने स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया। तो ये क्या बन जाता है हमारा वर्ण विच्छेद। अगर हम इसके अपोजिट देखते हैं वो होता है वर्ण संयोजन, बिल्कुल इसका उलट। क्या है इसके अंदर, अलग अलग स्वर व्यंजन को मिलाकर जब शब्द बनाए। यानी कि हमारे पास यदि यह दिया हुआ है, यानी कि किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद किया हुआ है पहले ही, अगर हम इसको जोड़कर पुनः एक नया, जैसे इससे जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारा वर्ण संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। क्लियर है? जैसे अब हमारे पास यही शब्द है, मान लो क जमा अ जमा प जमा अ जमा ड जमा आ, इनसे क्या शब्द बनेगा, क्या बनेगा, क प डा। इन्हीं वर्णों को हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं तो इनसे जो शब्द बनेगा हमारा वो क्या बनेगा हमारा कपड़ा। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़ना। अगर मैंने लिखा है, मान लो कोई शब्द लिखा है क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, क अ म अ ल और अ, ये हमारे पास वर्ण विच्छेद किए गए हैं।
इनको हमें क्या करना है, इनका हमें संयोजन करना है। जैसा कि वर्ण संयोजन, इन स्वर और व्यंजन जो हमारे पास हैं, इनका हमें संयोजन करना है, मिलाकर लिखना है, तो हमारा क्या हो जाता है, वह है वर्ण संयोजन। समझ में आ गया ना, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? तो इनको जोड़ो आप, क्या बनेगा, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, क्या बनेगा हमारा, सोचो सोचो। हाँ, इन दोनों को मिलाने से क्या बना हमारा, क, इन दोनों को म और अ को मिलाने से क्या बना हमारा, म, और ल और अ को मिलाने से हमारा क्या बनता है, ल, और इनसे हमारा एक नया शब्द बनता है, क्या बना हुआ है, कमल। क्लियर है, वेरी गुड। तो आइए हम वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, वहां पर हम इनको फिर वर्ण संयोजन के अंदर ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे हमारे पास शब्द है माता, क्या है, माता। अगर हम माता को इसको वर्ण विच्छेद करें शब्द के, क्या बनेगा, म जमा आ जमा त जमा आ, माता, म आ त आ। अगर यही हमारे पास वर्ण विच्छेद है, हमें इनका बनाना है वर्ण संयोजन, तो क्या करेंगे हम, इनको दो दो को जोड़कर देख सकते हैं कि इनसे क्या ध्वनि, जो नई ध्वनि है, जो नया शब्द बनेगा, जो नया वर्ण बनेगा, वो क्या बनेगा, म आ क्या बन गया, मा, और त आ क्या बन गया, ता। तो ये नया शब्द क्या बनेगा, माता। क्लियर है। इसी प्रकार शब्द है जैसे प्यास है, मिठाई है, आकाश है, दवाइयां है, केंद्र है, आप इनकी वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद आपने इनके बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको वर्ण विच्छेद करना आ गया तो आप वर्ण संयोजन तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं वर्ड दे रहा हूं, आपने वह होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है। जैसे आकाश है, केंद्र है, मिठाइयां है, तो आपने ये अपने घर पे करना है और हमें भेज देना है। क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।